अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का क्रीमी जूस। किस तरीके से बनता है और क्रीम की थिकनेस लेके आने के लिए हमें कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का जूस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी दोस्तों मैंने ली हैं स्ट्रॉबेरी, इनको अच्छे से धो लिया है। तो ये मेरे शहर में है 200 रुपए के जी, तो मैंने 100 रुपए की हाफ़ के जी ली हैं ये। तो इसको बीच में से दो दो पीसेस कर लेते हैं, सिंपल इसका तरीका है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी खट्टी होती हैं शुरू शुरू में, तो इसकी खटास को ख़त्म करने के लिए मैं इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई बहनें दूध डाल के ही बनाते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारा जूस है ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो मैं आज बनाऊँगा इंशाल्लाह, इसको थोड़ा थिक करके बनाऊँगा और चीनी का इस्तेमाल करेंगे और क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा सारियों को कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग दोस्तों हमने कर दी है, जूसर ब्लेंडर में इसको डाल देते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है स्ट्रॉबेरी का जूस। तो दोस्तों इसके लिए क्रीम जो मैं लूँगा वो लूँगा विप क्रीम। सबसे पहले इसके अंदर शुगर शामिल करते हैं, शुगर थोड़ी सी हमने ज़्यादा इसमें शामिल करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था स्ट्रॉबेरी में थोड़ी सी खटास होती है। तो 6 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर के शामिल कर दिए हैं। और यह है दोस्तों विप क्रीम, जो कि हम केक में इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने बीट नहीं किया, ऐसे ही है ये, आप देख सकते हैं। और तकरीबन एक कप के करीब 200 ग्राम इसके अंदर मैंने क्रीम शामिल कर दी है। ये हमारा जो जूस है उसको क्रीमी करेगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और मशीन को हम चलाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक, ताकि अच्छे से क्रीम हमारी प्रूफ हो जाए और जूस हमारा थिक बने, थोड़ा सा गाढ़ा बने। तो मुझे दोस्तों थोड़ा सा थिक जूस पसंद है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। तो ये क्रीम की वजह से है, क्योंकि क्रीम में काफ़ी वाइटनेस होती है, तो इसी वजह से इसका कलर भी, इसकी थिकनेस भी। और बर्फ़ आपने दोस्तों इसमें शुरू में नहीं शामिल करनी होती, बर्फ़ आपने जब इसमें शामिल करनी है जब क्रीम और स्ट्रॉबेरी अच्छे से मिक्स हो जाए और शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, वरना शुगर का दाना रह जाता है अगर जो शुरू में आप इसके अंदर बर्फ़ शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं 2 से 3 मिनट, उसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ शामिल करके 2 से तकरीबन 3 मिनट और इसको चलाएंगे। तो अब इसमें बर्फ़ शामिल कर रहे हैं, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो मैं थोड़ी सी कम बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून। ज़्यादा बर्फ़ भी जूस को पतला कर देती है। तो अब इसको 2 से 2.5 मिनट के करीब और चलाएँगे ब्लेंडर को। जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो प्यारे दोस्तों जूस हमारा तैयार हो चुका है और आप इसकी थिकनेस देख लें, माशाल्लाह से कितना ये गाढ़ा है, गाढ़ा गाढ़ा सा जूस तैयार है। और हाफ़ के जी चेरी में तकरीबन ये 3 गिलास ही मुझे लग रहे हैं कि 3 गिलास ही बनेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त जूस है, गाढ़ा जूस है, थिक जूस है। और क्रीम की वजह से जो स्ट्रॉबेरी के अंदर खटास होती है वो भी किल हो जाएगी, वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। तो मज़ेदार जूस तैयार है, ज़रा सी इसकी गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से 3 ही गिलास बने हैं इसके अंदर, थोड़ी सी गार्निश भी मैंने इसकी कर दी है। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।